हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। हम लोग कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, जिसमें चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लोक संगीत। ठीक है, तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। यहाँ से कोई भी प्रश्न जो है किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, चाहे वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं भी हो, क्योंकि हमें 6 से 10 तक की आरबीएससी की पूरी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करनी है, याद कर लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, कुरुंजा, पीपली, रतन राड़ो, मूमल, घुंघरी, केवड़ा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो गीत हैं, लोकगीत, ये मरुस्थल से संबंधित हैं। कौन से? कुंजा, पीपली, रतन राड़ो, मूमल, घूंगरी, घूगरी, केवड़ा, ये सभी लोकगीत मरुस्थल से संबंधित हैं। बधावा गीत, चाक भात, रत जगा, मायरा, तोरण, जुआ जुई आदि गीतों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इन सभी गीतों को रखा जाता है जन सामान्य के लोक गीतों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर के इजी हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देखने पर ही ये चीज याद हो जाएगी। क्वेश्चन 3 है, विवाह से पहले रिश्तेदारों के यहाँ आमंत्रित किया जाता है, तो वापसी में कौन सा गीत गाते हैं? तो कौन सा गीत गाते हैं? बिल्कुल बिंदौला गीत गाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विवाह के समय वर निकासी के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? घोड़ी गीत गाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी निकासी? वर निकासी, वर की निकासी पर गाते हैं घोड़ी गीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, लांगुरिया गीत है, लांगुरिया गीत जो है वो कैसा है? भक्ति गीत है। ठीक है, याद रखिएगा, लांगुरिया गीत जो है वो एक भक्ति गीत है। लांगुरिया गीत किस देवी या देवता से संबंधित है? तो ये सब जानते हैं, लांगुरिया गीत जो है वो केला देवी से संबंधित है। चौक चांदड़ी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? चौक चांदड़ी गीत जो है वह गाया जाता है गणेश चतुर्थी पर। क्वेश्चन नंबर 8, पटेलियो, बीचियो, लालर, ये क्या है? पटेलियो, बीचियो, लालर क्या है? तो ये लोक गीत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9, हरजस क्या है? हरजस क्या है? तो देखिए, क्या आपने कभी ये शब्द जो है वो सुना है? जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है मेरे साथ साथ, वो तो जानते हैं कि हरजस क्या है, एक भक्ति गीत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10, अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का क्या कारण? अल्लाह जिलाई बाई की प्रसिद्धि का कारण जो है वो क्या है, क्यों प्रसिद्ध हुई? ये क्या है? ये गायिका है, मांड गायन, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, अल्लाह जलाई बाई का सुविख्यात गीत कौन सा है जो पर्यटकों को खुला निमंत्रण है? तो इन्होंने ऐसा कौन सा गीत गाया जो कि सुविख्यात हुआ है, जिसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, तो जो कि पर्यटकों को एक खुला निमंत्रण देता है? तो बिल्कुल क्या है? पधारो न्यारे देश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12, किस क्षेत्र में सामूहिक लोक गीतों का अधिक प्रचलन है? सामूहिक लोक गीतों का प्रचलन जो है वह पहाड़ी क्षेत्र में अधिक है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, लालर, माचर, नोकीला, थारी ऊंटारी सवारी, नावरी असवारी लोक गीत किस क्षेत्र से संबंधित तो है? तो ये सभी जो है यह मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित तो है। किस क्षेत्र में भक्ति व श्रृंगार गीत अधिक प्रचलन में है? किस क्षेत्र में भक्ति व श्रृंगार गीत अधिक प्रचलन में है? तो यह मैदानी क्षेत्र में है, और मैदानी क्षेत्र जो आप सभी जानते हो, ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हो कि पूर्वी राजस्थान को मैदानी क्षेत्र जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भीलों का लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, तो वो कौन सा है? वो है हम सीड़ो। कौन सा है? हम सीड़ो, जो कि भीलों का लोकगीत है, जिसे स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही गाते हैं। तो इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न निकले थे, तो नेक्स्ट जो है वो हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे। तो साथ साथ में आप लोग चैप्टर भी पढ़ते जाइए और क्वेश्चन आंसर को भी करते जाइए। जो बच्चे नोट कर रहे हैं नोट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।